बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, टेंथ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, कि अगर वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, एक्स के, और वाई इज़ इक्वल टू 8 हो और एक्स की वैल्यू कितनी हो 2, तो आप फाइंड करें वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वेरी सिंपल। सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या कहा गया, हमें रिलेशन क्या दिया गया है। ठीक है जी, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, जिस तरह फिजिक्स में हम लिखते हैं कि जी वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वही सेम टू सेम है। हम यहाँ लिखेंगे जी वाई इज़ वेरीज एज डायरेक्टली एज एक्स। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटाना है। हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि जब वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वलिटी आ जाती है और साथ कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो देखते हैं जी, वाई इज़ इक्वल टू ये क्या बन जाएगा जी, के एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब जो आपको ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं वाई और एक्स की, ये एक्स की वैल्यू दी गई, ये वाई, ये इसमें पुट कर देंगे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे जी, वाई की जगह पर 8 पुट कर दें और के वैसे का वैसे, एक्स की जगह पर 2। हमें क्या चाहिए, के चाहिए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जी के इज़ इक्वल टू 4। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। ये काम तो आपने हर क्वेश्चन में ही करना है। अब आते हैं जी, हमने फाइंड आउट क्या करना था। हमें कहा गया जी फाइंड वाई। आप क्या फाइंड आउट करें जी, वाई फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि उसके आंसर में एक्स आए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ कहेंगे ये वाई फाइंड आउट करना था ना, अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम के की वैल्यू पुट कर देंगे। हम कहेंगे जी पुट, ये भी अभी जो के फाइंड आउट किया है, के इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, वाई इज़ इक्वल टू के एक्स। वाई तो हमने फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 4, और इन टर्म्स ऑफ एक्स उसने खुद कहा था। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जी वाई इज़ इक्वल टू 4 एक्स। ये आंसर है जी वाई का इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, स्टेटमेंट वही रहेगी, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब उसने कहा जी इसमें आप क्या करें जी, वाई फाइंड आउट करें, यानी क्या फाइंड आउट करना है हमने इसमें, वाई फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 5। हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू के एक्स। अब y तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू कितनी थी, ये जो यहाँ निकाली थी ये वाली 4, और x की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 5। तो y इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20, तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया। इसी तरह कहते हैं फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो हम फिर वही इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, फ्राम इक्वेशन 1 क्या था जी, वाई इज़ इक्वल टू के एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या दी गई यहाँ 28, के कितना है जी ये वाला जो था 4, और एक्स हमने फाइंड आउट करना, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो ये 7 4 एक्स इज इक्वल टू 7। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 7। दिस इज़ आवर आंसर, एक ये आंसर है। ये सेकंड पार्ट का था और वो थर्ड का था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमें पता है जो हमें एक रिलेशन दिया गया, पहले हमने उसको सॉल्व करना है। उस रिलेशन को में जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसको जगह इक्वेलिटी लेके आनी है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं जी, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, तो हम इसको लिख सकते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे इज़ इक्वल टू आ जाएगा और कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पूरी एक्सरसाइज में हम यही काम करेंगे, जो रिलेशन दिया गया उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ दी गई होंगी वो पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे बाद फिर जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें, कांस्टेंट या के की वैल्यू निकालने के लिए ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। तो हम इसमें पुट कर देंगे, पुट
वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो y की जगह पर ये 7 आ गया जी, k तो फाइंड आउट करना है, और ये x की जगह पर 3, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। तो ये k, तो हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू 7/3, ये हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था? फाइंड y। क्या क्वेश्चन है जी? फाइंड y, यानी y फाइंड आउट करना है, किसमें? इन टर्म्स ऑफ x। बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरह। तो क्या करेंगे जी, यही k की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें बस। हम कहेंगे जी पुट k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी जी? y इज इक्वल टू kx था, तो y तो हमने फाइंड आउट करना है, और k की जगह पर 7/3 और ये x। अब ये देखें, उसने यही कहा था कि y फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ x, यानी x उसमें इन्वॉल्व हो, तो यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन का जो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें कहा गया कि जी फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35, यानी हमने x फाइंड आउट करना है और y हमें कितना दिया गया जी, 35। इक्वेशन नंबर 1 लिखे हैं जी, इक्वेशन नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी जी? y इज इक्वल टू के एक्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करना जी? x। y की वैल्यू कितनी दी गई है? 35। k की वैल्यू क्या है आपके पास? ये जो अभी निकाली थी आपने, मतलब k था हमारे पास 7/3, तो यहाँ 7/3 और ये x। हमने चूँकि इसमें x फाइंड आउट करना है, ये 3 इधर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 7x। अब हमें तो x चाहिए, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं जी 35 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 7। 7 5s are 35 होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, तो x इज इक्वल टू 15 हमारे पास ये एक आंसर आ गया जी, क्योंकि x फाइंड आउट करना था। सिमिलरली अब कहा गया कि जी y फाइंड आउट करो, उसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट दे दिया उसने, y फाइंड आउट करो जब x कितना दिया गया, 18 दिया गया, और k की वैल्यू तो हमें पहले से मालूम है 7/3। हम यहाँ लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है जी? y इज इक्वल टू के एक्स। वाई तो फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू 7/3, x की वैल्यू 18, तो 6 3s are 18 होता है जी, तो y 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42। तो हमारे पास y का आंसर आ गया जी 42। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r की वैल्यू 5 दी गई है और t की वैल्यू 8 दी गई। याद रखिएगा, ये जो पहला हिस्सा दिया गया होता है, ये आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया होता है, क्वेश्चन उसका बाद में आपका स्टार्ट होता है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जी, क्या आ जाएगा जी इसका सोल्यूशन जी, कि हमें गिवन है जी r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं, r इज इक्वल टू आ गया जी के टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब k यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस r और t की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करें, तो क्या आ जाएगा जी, पुट हम लिख देते हैं r इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 8, किस में जी, इन अबव इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1। अब r की जगह 5 आ गया, k फाइंड आउट करना है, और t की जगह पर 8 आ गया, ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई जी 5/8। अब आते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है पहला क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करें जो r और t को आपस में कनेक्ट करती है। आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, उसी के अंदर ये k की वैल्यू पुट कर दें। पहला पार्ट ये था, हम कहेंगे जी पुट k इज इक्वल टू 5/8 इन इक्वेशन 1। अब क्या है जी इक्वेशन 1? r इज इक्वल टू के टी थी, r तो हमने फाइंड आउट करना है जी। अच्छा जी, k की वैल्यू क्या है जी? 5/8 और t। अब ये वाली जो इक्वेशन है, देखें ये इक्वेशन बन गई जो कनेक्ट कर रही है r और t को, देखें r और t को कनेक्ट कर रही है, यही हमारा आंसर है जी इसका पहले पार्ट का। अब इसी क्वेश्चन में फिर कहता है आल्सो फाइंड, अगर वो 1 था तो हम यहाँ इसको हम दूसरा क्वेश्चन करें, फाइंड r
व्हेन टी इज इक्वल टू 64। हम कहते हैं जी सेकंड नंबर पे हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, आर फाइंड आउट करना है कब, जब हमें टी की वैल्यू कितनी दी गई हो 64। अब वही इक्वेशन नंबर वन लिखें, इधर ले आए, हम कहेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी जी, आर इज इक्वल टू के टी। अब आर तो फाइंड आउट करना वैसे रहेगा, के की वैल्यू क्या थी ये 5/8 और टी की वैल्यू गिवन है यानी 64। अब आर इज इक्वल टू ये 8 8 64 होता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इज इक्वल टू हमारे पास 40 आंसर आ गया। अब फिर एक और तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर दिया गया, कहते हैं फाइंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे जी क्या फाइंड आउट करना है जी, टी फाइंड आउट करना है जब आर की वैल्यू कितनी दी गई हो 20। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या थी जी, आर इज इक्वल टू के टी। अब टी आर की वैल्यू कितनी दी गई है 20, के की वैल्यू कितनी थी ये 5/8, टी हमने फाइंड आउट करना है। ये 8 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में हमें तो टी चाहिए, ये 5 जो है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 4 20 8, तो 4 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, तो यूँ हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 32 हमारे पास आंसर आ गया। ये यूँ एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 3। ये वाला हिस्सा जो दिया गया होता है क्वेश्चन का पहला हिस्सा, ये हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। इसमें हम पहले इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे और दूसरे हिस्से में उसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम कहेंगे जी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इज इक्वल टू ये के और ये टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आर की वैल्यू कितनी दी गई है 8 और के हमने फाइंड आउट करना है, टी कितना दिया गया जी 3 और ये इसका स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू के, 3 का स्क्वायर कितना आ गया जी 9, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो हम कह सकते हैं कि जी के इज इक्वल टू 8/9 हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमें कहा गया जी फाइंड आर, आर हमने फाइंड आउट करना है कब, जब हमें टी की वैल्यू कितनी दी गई है 6 और के हमारे पास ऑलरेडी है यानी 8/9। हम यहाँ कहेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या जी हमारे पास, आर इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर, आर तो फाइंड आउट करना है जी, के कितना है जी 8/9, टी कितना है जी 6, तो ये 6 का स्क्वेयर हम इसको लिख सकते हैं 8/9, ये 6 का स्क्वेयर का मतलब ये हुआ 36, 9 4s are 36, 4 8 से मल्टीप्लाई करें तो आर आ गया जी हमारे पास 32, दिस इज़ आवर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वी 5 दिया गया आर 3 दिया गया, फाइंड आर व्हेन वी, तो पहला हिस्सा जो है वो जस्ट के की वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। हम पहले कहेंगे जी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे इक्वेलिटी आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के अंदर ये वी और आर की वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास के आ जाएगा, तो ये जी 5 के फाइंड आउट करना है, आर की जगह पर 3, ये 3 की पावर 3, तो ये 5 इज इक्वल टू के, 3 की पावर 3 जो होता है 27 होता है, ये 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी डिवाइड, तो हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू 5/27 हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब फाइंड आउट क्या करना है हमने, आर क्या फाइंड आउट करना है जी आर, हम कहते हैं जी आर तो हमने फाइंड आउट करना है कब, जब वी दिया गया हमें 625 और के की वैल्यू अभी अभी आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी जी वी इज इक्वल टू के आर क्यूब, अब वी की जगह पे उसकी वैल्यू यानी 625 पुट कर दें, के की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 5/27 और ये आर क्यूब वैसे का वैसे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आर। अब ये 625 वैसे का वैसे, ये 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई और ये 5 आर क्यूब।
अगले स्टेप में हम कर सकते हैं 625, 27, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। तो 5 625 पे ये 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू आर क्यूब आ गया। अब हमें तो आर चाहिए, ये तो आर क्यूब आ गया। इस वैल्यू को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इज इक्वल टू आर क्यूब। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 5 × 3 का क्यूब। अब हमें जो है इसी को हमने इकट्ठा करके एक ही होल क्यूब में लिख दिया। हमें चाहिए जस्ट आर, ये आ रहा है आर क्यूब, इस क्यूब को ख़त्म करना है। अब जी इस पावर 3 को ख़त्म करना है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट किस तरह लेंगे, जैसे ये आर की पावर 3 दी गई है, ये 5 × 3 की पावर 3 है, तो हम बोथ साइड की पावर 1/3 इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। जैसे ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 5 × 3 बच गया जी। इसको आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 15। ये हमारा जी आंसर आ गया।